हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ स्पीयर इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी सी एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर स्पीड ओमेगा सच दैट वी सी इक्वल टू ओमेगा आर बाई थ्री। द स्पीड ऑफ बॉटम पॉइंट ऑफ स्पीयर इज, वही चार चीज। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है, और ये चल रहा है आगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन में वी सी से, सेंटर ऑफ मास है, की स्पीड है ये, लेकिन घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज। ये देखो ऐसे, कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो वो बॉटम वाले पॉइंट इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बॉटम वाले पॉइंट ए की वेलोसिटी पूछ रहा है मान लो। तो देखो समझो, यहां पे ये आपका जो बॉडी है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कर रही है, रोलिंग नहीं। रोलिंग मोशन की उसने कोई चर्चा नहीं करी है और ना बताया कुछ। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ऑनली, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ए की वेलोसिटी अगर निकालनी है मेरे को तो कैसे निकालूं, कि मैं पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ सेंटर ऑफ मास पर बैठकर। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से बैठकर इसको देखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चीटा बनकर मैं किस पे बैठ जाऊं, उसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाऊं और वहां से पॉइंट ए की वेलोसिटी को देखूं। वी ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वी ए वैक्टर माइनस वी सी वैक्टर। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं चीटा बनकर कहाँ पर बैठ गया, सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया और वहां से पार्टिकल ए को देख रहा हूँ। ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी है कहाँ से देखने पर, सेंटर ऑफ मास से देखने पर। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ग्राउंड से देखने पर। व्हाट द नेम ऑफ वी ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये भी वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी है, ठीक है सर। अब ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालनी है मेरे को, तो वी ए निकालना है, तो वी ए वैक्टर इसको डाल लिया, वी ए सी वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर ये। अब आपको अगर ए की वेलोसिटी निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास पर बैठकर वेलोसिटी, ए की जो वेलोसिटी है उसमें ग्राउंड से देख देखकर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको ऐड कर दें वेक्टोरियली, तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी निकल आएगी। अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर हम पार्टिकल ए की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को, हमारे पास दे रखी है वी सी, और इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लें, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, तो वी निकल आया, वी ए निकल आया, ठीक है। करें कैसे साहब, तो सबसे पहले इसे दो भागों में तोड़ लेना चाहिए हमेशा। एक तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसको देखो, इसको तो इसको देख रहे हैं, तो मैंने इसे दो भागों में तोड़ लिया। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे वी सी, इस वाले पॉइंट की कितनी है वी सी, इस वाले पॉइंट की कितनी होगी वी सी, हर एक पॉइंट की वी सी होगी ऐसे वी सी, यह ट्रांसलेशनल हो गया। अगर मैं किस पर बैठ के देखूं, चीटा बनकर मैं किसके ऊपर बैठ जाऊं, सेंटर ऑफ मास पर, वहां से मैं किसी भी पार्टिकल को देखूंगा ना इस स्फीयर के, तो हर एक पार्टिकल मेरे को सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ दिखाई देगा। अब खुद सोचो, अगर मैं यहां पर चीटा बन के बैठ जाऊं और ये घूम रहा हो, तो ये मेरे को हर एक पार्टिकल किस पर दिखाई चलता हुआ दिखाएगा, क्योंकि तो मैं सेंटर ऑफ मास पर तो बैठ ही गया, तो मेरे को ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए देखो, ये पार्टिकल घूम घूम कैसे रहा है, ये स्पीयर एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे पार्टिकल मेरे को ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे। ये वाला पॉइंट भी मेरे को कैसे घूमेगा, ए ऐसे घूमता हुआ दिखाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ए वाला पॉइंट देखो ऐसे, क्योंकि तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, तो मेरे को ए वाला पॉइंट घूमता हुआ दिखाई देगा ऐसे। ये मैं कहां से देख के बता रहा हूँ, सेंटर पर बैठ के, चीटा बन के मैं यहाँ पर बैठ गया, और इसकी वेलोसिटी बताऊं कि इस
इस जगह पर कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, इस जगह पर ओमेगा इंटू आर। कि कौन बता रहा है हमें ये वाली वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, ये हमें बता रहा है चीटा, सेंटर मास बैठे नहीं, हर एक पार्टिकल उस सकलोपात पर घूमता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों को मिला लेंगे तो हम देखो वी ए सी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी जानते हो, वी ए सी, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के पार्टिकल ए की वेलोसिटी, ये पॉइंट ए की वेलोसिटी देखी है मैंने, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के है वेलोसिटी ये ओमेगा यार, सकलोपात घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाली वेलोसिटी हो गई ये वाली, और वी सी तो ये वाली है ये। अब इन दोनों को ऐड करना है वेक्टोरली, यही बेटा वी, ये क्या चीज हो गई, ये हो गया वी ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा ये, बस इनको ऐड कर लो। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो डायग्राम बनेगा हमारा ये ऐसे, इस पॉइंट ए के पास दोनों को ऐड करें, दो वेलोसिटियां हैं आगे की तरफ ही हैं वी सी, और आगे की तरफ ही है आपका ओमेगा। और यहाँ पे वो कंडीशन में लगा देना कि वी सी इक्वल टू आर ओमेगा, वो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है, और यहाँ पे प्योर रोलिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है, उन्होंने कहा है कोई कंडीशन नहीं दे रखी ऐसी, ठीक है, इसीलिए ये और इसको ऐड कर लो, देखो दोनों की टर्म कैसी है सेम, तो इसीलिए ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी बेटा, एंगल 0 डिग्री है इनके बीच में, एंगल 0 डिग्री है, तो इसीलिए दोनों को ऐड कर लो सिंपली वी सी प्लस ओमेगा आर, और वी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा ओमेगा आर बाई थ्री, तो आप वी सी की वैल्यू लिखना चाहो तो ओमेगा आर बाई थ्री लिख सकते हो, प्लस लिखना चाहो क्या क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, सॉल्व कर ले तो दोनों को ऐड करें तो 3 एलसीएम लेके नहीं 4 बाई 3 ओमेगा, 4 बाई 3 ओमेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।